दोस्तों, हिंदी फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता 60 से 90 के दशक तक हिंदी सिनेमा में अपनी धाक जमाने वाले जितेंद्र की चर्चाएं उनके अनोखे पहनावे के लिए भी तो होती थी। हिंदी सिनेमा के एक ऐसे इकलौते अभिनेता है जिन्होंने अपने पूरे करियर में 80 रीमेक फिल्मों में काम किया है। लगभग 200 फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाने वाले जितेंद्र ने 121 हिट फिल्में दी है। जयप्रदा, श्रीदेवी, रीना राय, नीतू सिंह, हेमा मालिनी, मौसमी चटर्जी और रेखा के साथ जितेंद्र की जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आती थी, इसलिए जितेंद्र ने सबसे ज़्यादा फिल्में इन 7 अभिनेत्रियों के साथ ही की। हालांकि जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनका असली नाम रवि कपूर है। उन्होंने बॉलीवुड में जितनी सफलता हासिल की उसके लिए उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। हालांकि शुरुआती दौर में जितेंद्र मुंबई के एक चाल में रहा करते थे। उनके पिताजी फिल्मों में डिलीवरी सप्लाई करने का काम करते थे। जब जितेंद्र कॉलेज में थे तभी उनके पिता को हार्ट अटैक आ गया था। पिता के बीमारी होने पर घर चलाने में दिक्कत आने लगी। ऐसे में जितेंद्र ने फिल्म मेकर साताराम से मुलाकात की। जितेंद्र ने उनसे फिल्मों में काम मांगा तो उन्होंने कहा कि तुम कोशिश करना चाहते हो तो करो, लेकिन मैं तुम्हें कोई काम नहीं दूंगा। लेकिन कुछ समय बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि जितेंद्र को साताराम की तरफ से बुलावा आ गया। जितेंद्र को फिल्मों के लिए सेलेक्ट भी कर लिया गया। इसके कुछ दिन बाद साताराम ने उनका स्क्रीन टेस्ट लिया। 30 टेक के बावजूद जितेंद्र ने डायलॉग ठीक से नहीं बोल पाए थे, लेकिन फिर भी गीत गाया पत्थरों ने में फिल्म के लिए चयनित कर लिया गया। साताराम ने ही उनका नाम रवि कपूर से बदल कर जितेंद्र कर दिया था। जितेंद्र ने 100 रुपये महीने की पगार पर काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि बॉलीवुड में जितेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत 1959 में फिल्म नौरंग से की, जिसमें उन्होंने छोटी सी भूमिका निभाने का अवसर मिला था। इसके बाद साल 1964 में उन्होंने साताराम की फिल्म गीत गाया पत्थरों में काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म के बाद जितेंद्र अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। इसके बाद 1967 में जितेंद्र की एक और सुपरहिट फिल्म फर्ज रिलीज हुई। जितेंद्र ने अपने करियर में लगभग 200 फिल्मों में काम किया है। हालांकि जितेंद्र प्रोफेशनल लाइफ के अलावा अपनी लव लाइफ को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रहे हैं। बॉलीवुड में जितेंद्र का नाम कई एक्टर संग जुड़ चुका है, लेकिन वह बचपन से ही शोभा कपूर से प्यार करते थे। शोभा कपूर जब 14 साल की थी तब उन्होंने जितेंद्र से प्यार हो गया था। उस वक्त शोभा ब्रिटिश एयरवेज में काम कर रही थी। जॉब की वजह से शोभा को अक्सर विदेशों में रहना पड़ता था और वो चाहकर भी अपने प्यार यानी जितेंद्र को नहीं मिल पा रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब जितेंद्र हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे। इसको लेकर जितेंद्र ने अपनी माँ को हेमा की माँ से मिलाने तक भेज दिया था। दोनों के परिवार की आपस मुलाकात भी हुई। कहा जाता है कि हेमा शादी के लिए तैयार भी थी, लेकिन जितेंद्र की बचपन की गर्लफ्रेंड शोभा अपने परिवार वालों के साथ जितेंद्र के घर पहुंच गई, जिसके बाद जितेंद्र की शादी हेमा से नहीं हो पाई। 1974 में जितेंद्र ने शोभा से शादी कर ली। दरअसल साल 2004 में जितेंद्र को लीजेंड ऑफ इंडिया सिनेमा अवार्ड से अटालिट सिटी में सम्मानित किया गया था, जो कि एक प्रतिष्ठित सम्मान था। साल 2007 में इन्होंने दादा साहेब फाले अवार्ड मिला। इसके बाद इन्हें साल 2012 में लायंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था और यह अवार्ड इन्होंने मोस्ट एरोगेंट रोमांटिक हीरो के लिए दिया गया था।